इस वीडियो में मैं आपको 19, 29, 39, 49, 59 यानी कि ऐसा कोई भी टेबल या पहाड़ा जिसके अंत में 9 आता है उसको कितनी आसानी से याद किया जाए, उसको कितनी आसानी से लिखा जाए, ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ एक पैटर्न की मदद से। किस तरह से आप इसको याद कराओगे बच्चे को या किस तरह से आप इसको लिखना सिखाओगे। तो मैं इसमें 29 से शुरू कर रहा हूं। 29 ई कम 29, 29 दुनी 58, ठीक है, 29 तिया 87, 29 चौका 116, ठीक है, जिसके भी अंत, इससे आगे पहाड़ा मैं नहीं लिख रहा हूं, 29 पंजे भी लिख देता हूं 145, ठीक है। अब यहां देख रहे होंगे जो इकाई वाला डिजिट है वो एक एक घट रहा है, इकाई वाला डिजिट क्या हो रहा है, एक एक घट रहा है। और जो ये दहाई वाला डिजिट है, दहाई कितनी बढ़ रही है, इसमें 3 बढ़ी है, यहां भी 3, हर स्टेप पर दहाई कितनी बढ़ रही है, 3, हर स्टेप पर दहाई कितनी बढ़ रही है, 3, ठीक है। तो 29 पंजे 114, 29 छक्का 174, 174 इकाई एक घटी और ढाई 3 बढ़ी। 29 सत्ते 203 यानी कि इकाई एक घटी ढाई 3 बढ़ी। 29 अठे 232 और 29 नम्मा 261 और 29 थाई 290, आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से यदि हम 39 की बात करते हैं तो हम 39 को भी यहां से देख लेते हैं। 39 एकम 39, 39 दूनी 78, ठीक है, इसमें कितना बढ़ेगा 4, 39 में कितना बढ़ेगा यहाँ 4 और घटेगा यहाँ एक ही, जो हमारा इकाई में एक ही घटेगा मगर ढाई में यहाँ 4 बढ़ेगा। 39 दिया 117, 39 चौका 156, 39 पंजे 195, 39 पंजे 195। तो यहां हम देख रहे हैं 39 छक्का 234 यानी कि 19 4 बड़ा है, 39 सत्ते 273 यानी कि 23 फिर 4 बड़ा है और इकाई एक घट रही है, 39 अठे 312 यानी कि 27 फिर 4 बढ़ गया है, 39 नम्मा 351 इसमें फिर 31 कितना बढ़ गया है 4 और ये इकाई कितनी घट गई है एक, और 39 थाई 390, ठीक है। तो आप यहां से देख रहे होंगे कि यहां जो टेबल है वह अपने वाले से यानी कि 39 से आगे क्या आने वाला है 4, ठीक है, सब पहाड़ों की जो ये इकाई है उसमें एक एक ही घटेगा मगर जो ढाई है उससे आगे जितनी ढाई बनेगी वह ढाई उसमें जुड़ती जाती है। जैसे यदि हम 49 का देखें तो 49 में यहाँ तो घटेगा एक एक ही मगर इसमें ढाई में कितना बढ़ेगा 5, क्योंकि 49 से आगे क्या ढाई बनेगी 50 ढाई बनेगी, यहाँ 50 ढाई बनेगी तो ये 5 जो है इसकी ढाई में जुड़ता चला जाएगा हर स्टेप में। जैसे हम करेंगे 49 दूनी कितना हो जाएगा, 49 दूनी 98, 5 बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, 49 दिया अब फिर 5 बढ़ जाएगा यानी के 147, अब ये एक घटा है और यहाँ 9 में 5 जुड़े तो 14, ठीक है। इस तरह से ये पूरे का पूरा टेबल हमारा इस तरह से चलता रहेगा। तो आप समझ गए होंगे क्या जिसके अंत में 9 होता है उसको किस तरह से हम पैटर्न के माध्यम से बच्चों को बता सकते हैं।